नमस्कार साथियों, एचआर सर गछीपुरा यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत करता है, वेलकम करता है और फिर से अभिनंदन करता है। हम लोग रीड कर रहे थे कक्षा 7 की बुक का लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 से क्या महत्वपूर्ण पर्सन अपने रीड किए थे, उसमें कुछ पर्सन और बच गए हैं, कुछ टॉपिक और बच गए हैं। क्या बच गए हैं चर्चा करते हैं कि इसमें कुछ जनजातियों के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है? जनजातियों के बारे में बता रखा है। और मैंने सोचा कि शायद पर्सन बढ़ जाए, बहुत सारी जनजातियां हैं लेकिन इनमें से भी पर्सन बढ़ सकता है। एग्जाम में पूछ ले भाई कौन सी जनजाति जो है वह कहां पर पाई जाती है। खूब सारी जनजातियां लेकिन बेसिक बुक में क्यों कौन सी जनजातियों के बारे में बताया गया है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति है नंबर फर्स्ट पे? भोटिया। भोटिया जनजाति है। नंबर सेकेंड भूटिया जनजाति है। भूटिया वाईचुंग भूटिया फुटबॉलर है, भूटिया जनजाति है। नंबर थर्ड चांगपा, चांगपा जनजाति है। नंबर फोर्थ बकरवाल जनजाति है, बकरवाल जनजाति है। और नंबर फिफ्थ जो है वह मोनिया जनजाति के बारे में बता रखा है, मोनिया। ठीक है, भूटिया और मोनिया जनजाति है। तो ये जनजातियां हैं, ध्यान रखेंगे, भोटिया भूटिया चांगवा बकरवाल और मोनिया, इनके बारे में बता रखा है इस लेसन में। क्या बात बता रखी है कि भोटिया जनजाति जो है वो कुमाऊ गढ़वाल हिमालय में पाई जाती है। कुमाऊ गढ़वाल जो हिमालय है, ठीक है ठीक है, कुमाऊ गढ़वाल हिमालय ऑप्शन में मिले तो भोटिया जनजाति। नेक्स्ट जो है भूटिया जनजाति जिसको कहेंगे, इसमें भी बता रखा है वही बात, उत्तरी सिक्किम में यह पाई जाती है। ऑप्शन में मिलेगा उत्तरी सिक्किम, क्योंकि बेसिक बुक में लिख रखा है उत्तरी सिक्किम। कौन सा? भूटिया जनजाति है। चांगपा जनजाति, बकरवाल जनजाति और मोनिया जनजाति, ठीक है। चांगपा जनजाति जो है वह कहां पर पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। कहां पर? लद्दाख में। कौन सी जनजाति पाई जाती है? चांगपा जनजाति है, लद्दाख में पाई जाती है। फिर मोनिया बकरवाल जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर। बकरवाल कहां पर पाए जाते हैं? जे एंड के, जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति पाई जाती है। याद रखना बकरवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बहुत बढ़िया पर्सन है मोनिया अरुणा, मोनिया अरुणा। मोनिया जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मोनिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मोनिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बढ़िया बढ़िया पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, इनको ध्यान में रखें, एक बार सरसरी तौर पे देख लें। अच्छी किताबों में आपके पास जो गाइड्स हैं उनमें बहुत सारी जनजातियों के बारे में दे रखा होगा, लेकिन कौन सी याद करें? पहले बेसिक, ठीक है, फिर उनको भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम टिप्स पे याद रहेगा कि कौन सी जनजाति कहां से संबंधित है। ये मेरा प्रोमिज है, वादा है, याद करेंगे अपन उनको। फिर जनजातियां जो है, जनजातियों के बाद एक और शब्दावली दे रखी है खांगपा। देखो खांगपा क्या है, पर्सन आ जाए खांगपा क्या है तो आप ऑप्शन में मिल जाएंगे, लद्दाख क्षेत्र की जनजाति, कुमायू हडवाल है, कुमायू हिमालय की जनजाति, उत्तरी सिक्किम की जनजाति, या फिर लद्दाख में कच्ची ईंटों से या गारे की ईंटों से व पत्थरों से बने जो घर हैं उनको क्या कहेंगे? खांगपा कहते हैं। ये राइट आंसर होगा इसका। तो खांगपा क्या है? लद्दाख में क्या है, कुछ वैसे पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन कुछ मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर, लद्दाख में। मतलब पहले तो ये देखिए कहां पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे लद्दाख में से संबंधित है ये पॉइंट। खांगपा कहां से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। खांगपा किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। और लद्दाख में पत्थरों प्लस कच्ची मिट्टी, पत्थरों प्लस गारे की ईंटों से बने हुए कुछ घर पाए जाते हैं जिनको क्या कहेंगे अपन? खांगपा कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? खांगपा कहते हैं। अब आपको पता है चांगपा तो क्या है? लद्दाख की जनजाति है। चांगपा क्या है? लद्दाख की जनजाति है। और आप याद कर सकते हैं कि चांगपा कहां पर रहती है? खांगपा में रहती है। खांगपा, चांगपा जनजातियों के घर खांगपा, ठीक है। चांगपा तो जनजाति है जबकि खांगपा घर है। किसके बने होते हैं? पत्थर और गारे की ईंटों से बने होते हैं, पत्थर और गारे की ईंटों से बने होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे लेसन नंबर 6 में से। नेक्स्ट जो है लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 की करते हैं बात। लेसन नंबर 7 में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? विभिन्न जो जलवायु है उसमें मानव जीवन के बारे में बता रखा है।
विभिन्न जलवायु में मानव जीवन के बारे में बता रखा है कि भिन्न भिन्न जो भाग हैं भारत के वहां पर किस मनुष्य का जीवन किस प्रकार से है। तो मेरे हिसाब से वहां पर अपने लायक जो पर्सन निकल के आए हैं, जो रीट के अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आए हैं या फिर जो जीके के हिसाब से निकल करके आए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए इसमें दो चीज बता रखी है, एक तो गंगा यमुना का विशाल मैदान, गंगा यमुना के विशाल मैदान के बारे में बता रखा है, गंगा यमुना के विशाल मैदान के बारे में बता रखा है। और दूसरा जो बता रखा है वह है बता रखा है तटीय मैदान, जो तटीय मैदान जो है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रखा है और उनमें से बड़े काम के प्रश्न अपने लायक हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है इसके बारे में वह क्या बातचीत करता है अपने से, क्या महत्वपूर्ण अपने लायक जो कैरियर मेकर शब्द जो है वो कौन कौन से यहां पर। तो चार शब्द मैंने इनमें से निकाले हैं गंगा यमुना के मैदान में से, कौन से कितने शब्द निकाले हैं भाई, चार शब्द निकाले। नंबर एक तो है भाबर, नंबर एक क्या है भाबर, नंबर दो है तराई, पहला तो कौन सा है भाबर है, नंबर दो है तराई और नंबर तीन पे है खादर और नंबर चार पे है बंग। देखो जब भी मैं आरएस मेंस की एग्जाम देता हूं इनमें से कुछ ना कुछ शब्दावली आई जाती है, दो नंबर की आ जाए तीन नंबर की आ जाए कोई भी शब्दावली ये आए बिना रहती नहीं है, चाहे खादर पूछ ले चाहे भाबर पूछ ले चाहे तराई पूछ ले चाहे बांगर पूछ ले। अब इनको याद करने के लिए जो मेरे को वास्तव में ऐसा लगा कि वास्तव में बेसिक बुक्स में जो शब्दावली है बड़ी इजीली अपने को याद होती है। ठीक है, तो क्या शब्द इनको कैसे याद करें, भाबर क्या है तराई क्या है खादर क्या है और बांगर क्या है, प्रश्न ऐसा याद खादर क्या है ठीक है तराई क्या है बांगर क्या है भाबर क्या है, तो इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इनमें से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे इनको याद करें, को जो हिमालय जो है हिमालय पर्वत के निचले भागों में भाबर नंबर फर्स्ट, भाबर में क्या है हिमालय पर्वत जो है उसके निचले भागों में कंकड़ पत्थर युक्त जो क्षेत्र पाया जाता है उसको अपन भाबर कहते हैं, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं, मतलब काम की बात यह हो गई एक तो कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाएंगे। इस प्रकार के जो मैदान है ना ये गंगा यमुना का विशाल मैदान है, इसके चार मुख्य शब्द जो है अपने को याद करने हैं, कंकड़ पत्थर युक्त ये मैदान है यहाँ और हिमालय के जो निचले क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, निचले क्षेत्र में हिमालय के निचले क्षेत्र में निचले भाग में कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र निचले भाग में कंकड़ पत्थर युक्त जो क्षेत्र है उसको अपन भाबर कहते हैं। और भाबर को याद रखें तो टाबर भी याद रख लें और टाबर को याद रखें तो वो कंकड़ पत्थर उछालते रहते हैं कंकड़ पत्थरों में हिलते रहते हैं हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्रों में। ठीक है, याद रह जाएगा भाबर क्या है कि हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भाबर कहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं भाबर कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में अपना क्ल्यू जो मिलेगा वह कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र मिलेगा, तो कंकड़ पत्थर भाबर कंकड़ पत्थर टाबर याद रह जाएगा बिल्कुल। और यहां की एक और खास बात है कि यहां पर नदियां भूमिगत हो जाती है, याद रखना यहां पर नदियां भूमिगत हो जाती है, तो भाबर के बारे में यह बेसिक है। फिर तराई जो होती है उसके बारे में क्या है कि भाबर के निकट कुछ दूरी पर ठीक है कुछ दलदली क्षेत्र पाया जाता है तराई, जब भी अपन ईंटों के भी तराई करेंगे मकानों की तराई करते हैं जो भी अपन लिपाई करते हैं तो तराई करते हैं तो नीचे दलदली क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, याद रखना दलदल हो ही जाती है थोड़ी बहुत मिट्टी की भी कीचड़ तो हो ही जाता है दलदली, तो याद करना है अपने को। तो तराई जो है किसे कहेंगे कि भाबर के नजदीक, इस भाबर के नजदीक ही तराई क्षेत्र दलदली भूमि, ठीक है भाबर के नजदीक जो दलदली भूमि पाई जाती है दलदली भूमि उसको अपन क्या कहेंगे तराई कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे तराई कहते हैं। फिर खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान, खादर जो होते हैं नदियों द्वारा बहाई गई गंगा यमुना नदियां हैं वह मिट्टी बहा करके लेकर के आती रहती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान, तो जो मैदान ही बनेंगे मैदानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो शब्दावली क्या होगी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नवीन जो कांपीय मिट्टी के जो मैदान है, ठीक है नवीन कांपीय मिट्टी के जो मैदान है नवीन जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान है उनको अपन क्या कहते हैं खादर कहते हैं। ठीक है, बांगरू बांगर हो गई पुरानी हो गई, ठीक है बांगर का मतलब पुरानी और नवीन जलोढ़ जो मिट्टी के मैदान है
नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बिछाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियों के मैदान तो वो जाएंगे मांगर। देखो नदियों द्वारा, ठीक है, नदियों द्वारा सेंटर बिछाई गई, शब्द क्या हो जाएगा, नदियों द्वारा बिछाई गई खादर है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान, मैदानों को क्या कहते हैं भाई, खादर कहते हैं। मतलब खादर जो है वह किस प्रकार से बना है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान है, नवीन या मतलब पॉइंट जो है नदियों के द्वारा बिछाए गए मैदान, ये कोई पॉइंट नहीं है याद करने का। तो अपन क्या बताएंगे कि खादर जो कहेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान जो है वह क्या कहलाएंगे, खादर कहलाएंगे। फादर जो है वो नवीन है, फादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, अभी आप लोगों का जो फादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होगा, इतने ओल्ड दादा जो है वो ओल्ड जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नवीन जो है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने जो मैदान है उनको अपन खादर कहते हैं, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं ना इसको इजीली अपन पढ़ लेते हैं, मुसीबत यही होती है जब ऑब्जेक्टिव आता है तो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं सही या गलत, और पॉइंट वन एक नंबर आधा नंबर उससे बाहर होने का खतरा बरकरार रहता है। नेक्स्ट है बांगर। बांगर क्या है, नदियों द्वारा बिछाई गई, बिछाए गए पुराने जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान, यह क्ल्यू है याद करने का, यह क्ल्यू है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मतलब नवीन शब्द जहां पर ऑब्जेक्टिव दिख जाए बाकी के ऑप्शन वैसे ही आएंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान तो कहलाएंगे खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान कहलाएंगे बांगर। तो ये पॉइंट थे गंगा यमुना के विशाल मैदान से संबंधित बेसिक नॉलेज था, और यह सेवंथ क्लास की बुक आप लोगों को याद करवा रही है, आपका करियर बना रही है। नेक्स्ट जो है तटीय मैदानों के बारे में बात करते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न तटीय मैदानों के बारे में दे रखा है, और मैं तो ये कहूंगा कि इतनी सारी जो बात ये अगर आपके दिमाग में फीड रहती है ना तटीय मैदानों से संबंधित या जो भी इसमें बुक्स में, ये तो कम से कम फीड है, तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रश्न को जो सोल्व करेंगे ना उस समय जब एग्जाम देंगे तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सॉरी लाइट थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेसन नंबर 7 जो था उसमें तटीय गंगा यमुना का विशाल मैदान रीड किया है, गंगा यमुना के विशाल मैदान में खादर भाबर बांगर तराई ये शब्द अपन ने रीड किए, ठीक है। अब और जो पॉइंट जो दे रखा है अपने लिए काम का जो है सातवें लेसन में से कौन सा है, तटीय मैदानों से संबंधित पॉइंट है। तो तटीय मैदान जो है आप लोगों को पता है इसकी स्थिति क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है तटीय मैदानों से, तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत जो है, भारत का जो तटीय मैदान है उसको अपने इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, सबको पता है कि जो अपने लेफ्ट साइड है वहां पर पश्चिम दिशा होती है, जब अपन बुक रीड करते हैं तो लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा होती है और राइट साइड में पूर्व दिशा होती है, तो अपन मैं घूम गया हूं इधर, और ये तो हो गई लेफ्ट मेरा इधर है तो यहां पर पश्चिमी दिशा है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, खूब बढ़िया प्रश्न दे रखे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके बारे में बता रखा है। मैं कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि ये जो चीज अगर अपने को पता है तो जो बड़े पर्सन जो है, चाहे पर्सन कहीं से भी आए किसी भी गाइड से आए, उन पर्सन को डील करने में, उन पर्सनों को समझने में, उन पर्सनों को सोल्व करने में अपने लिए बहुत आसानी हो जाती है, ये जो पर्सन है इन चीजों को अपनों को लर्न करने के बाद। तो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान देखो ले लेते हैं, पर खास बात क्या बता रखी है सेवंथ की बुक अपना बेसिक कैसे क्लियर करवा रही है कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है या पश्चिमी तट है इसके ऊपर कौन कौन से बंदरगाह हैं या फिर कौन कौन से तट हैं उनके बारे में बढ़िया प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, दोनों में प्रश्न बनते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपको पता है इधर है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की ये जो पश्चिमी दिशा है इसमें तो क्या है अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर
और इधर पूर्वी तटीय मैदान जो है किस तट के हैं, ये बंगाल की खाड़ी यहां पर स्थित है, ये कॉमन सेंस है, बंगाल की खाड़ी ये कॉमन सेंस है, ये स्टार्ट है यहां। इन बातों को समझ करके अपन बड़े बड़े आंसर दे सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वहां पर प्रमुख तट कौन कौन से हैं, आप देखिए प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं। तो देखो पश्चिमी तटीय मैदान के लिए अपन याद करेंगे काठी कोकण कन्नेमाल, काठी कोकण कन्नेमाल, काठी कोकण कन्नेमाल, और पूर्व में पश्चिम में बोलेंगे ऐसे, जैसे कई बार क्या नारे बुला लेते हैं और नारे बुलाते हैं ना तो एक हाथ उठाते हैं फिर दूसरा दूसरा हाथ उठाते हैं, उसी प्रकार आप रोचकता अगर लाना चाहते हो अध्ययन में तो आप याद कर सकते हैं। देखो पर्सन या टॉपिक अगर रीड कर रहे हो तो रोचकता के साथ रीड करें, बातें करें उनके साथ, और जब उनको बात करने वाला पार्टनर आप टॉपिक को बना लेते हो तो वो वास्तव में वो आपके दिमाग में फिट रहता है, याद रहता है। और अगर ऐसा टॉपिक बना लेते हो कि यार पता नहीं एक तो क्या चीज है, गंभीरता से सीरियस हो रहे हो, पता नहीं क्या है इसमें, बात नहीं करते हो टॉपिक से, तो फिर वो आप मेमोरी से भी सीधा लैप्स हो जाता है। ठीक है, बारात होती है, बारात में आप जाते हो और जाते हो तो कई फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे सभी आपके याद में याद नहीं होते, दिमाग में क्या आप लोगों के दिमाग में घर नहीं करते, वही घर करते हैं जिनसे बात होती है। ठीक है, वो हाँ यार उस बारात में अपने को साथी मिला था, तो वही टॉपिक की बात है भाई, अगर टॉपिक से बात कर लोगे तो आपकी मेमोरी में फिट रहेगा। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंड है मेरा, और पश्चिम तट के बारे में बात है काठी कोकण कन्नेमाल, काठी कोकण कन्नेमाल, फिर राइट साइड से बोलूंगा कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, काठी कोकण कन्नेमाल, काठी कोकण कन्नेमाल, दो चीजें स्पष्ट होती है, काठी कोकण कन्नेमाल इसका मतलब ये एक साइड में ही है, एक दिशा में ही है, काठी कोकण कन्नेमाल, फिर कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, काठी कोकण कन्नेमाल कोरोमंडल पे उत्तरी सरकार। तो ये दोनों तट के जो प्रमुख बंदरगाह कह सकते हो आप, या उनके प्रमुख तटीय मैदान इनको अपन कह सकते हैं। कौन कौन से है, देखो काठी, काठी से आप याद रह जाएगा, काठियावाड़ गुजरात में, ये लगभग सबको पता है काठियावाड़ गुजरात में, तो अपना इसी से मैंने स्टेपल कर दिया इन सभी बातों को कि काठी कोकण कन्नेमाल। तो ये देखिए यहां पर काठियावाड़, यहां पर जो तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदानों में क्या है, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात में है, और गुजरात जो है वो पश्चिम भारत के पश्चिम दिशा में है, क्योंकि राजस्थान का पड़ोसी राज्य राजस्थान भी तो पश्चिम दिशा में है, याद करने के पॉइंट्स हैं, काठियावाड़ फिर कोकण तट, ये देखिए इसको इस प्रकार से डिवाइस कीजिए, काठियावाड़ यहां पर हो गया, फिर कोकण तट हो गया, ये नंबर एक कोकण, काठी कोकण कन्ने, ये नंबर तीन, और नंबर चार माल, काठी कोकण ये कोकण तट, इसको अपन कोकण तट कहेंगे, फिर काठी कोकण कन्ने तो कन्नड़ तट, फिर माल मालाबार तट, काठी कोकण कन्ने माल याद रह जाएगा, ये यहां तक हो गया। फिर इसको भी आप जो पूर्व तट है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर देंगे, पूर्वी तटीय मैदान जो है ये सेवंथ का देशी का बहुत सारा भारत का भौतिक स्वरूप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज रटेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का कन्याकुमारी से लेकर, तो ये जो है इसको अपन नाम देंगे काठी कोकण कन्नेमाल और कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार। तो पूर्वी तट है इसका दक्षिण भाग कहलाता है कोरोमंडल तट, कौन सा तट कहलाएगा, कोरोमंडल तट, और उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी शिरा, आप इसको कह सकते हैं, ये शिरा जो कहलाएगा इसको कहेंगे उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, याद रखना ये कंसेप्ट है और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, उत्तरी सरकार तट पश्चिम में है पूर्व में, पहले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं यार पूर्व में है पश्चिम में है, काठियावाड़ तट कहां पर है, काठियावाड़ तट हो सकता है सही हो जाए लेकिन कोकण तट पूछ ले, कन्नड़ तट पूछ ले तो कुछ स्टूडेंट मैं मानता हूं कि वो कंफ्यूज रहते होंगे, तो ये चीज ध्यान में रखे काठी कोकण कन्नेमाल, काठी कोकण कन्नेमाल, फिर कोरोमंडल पे उत्तरी सरकार। ठीक है, राइट साइड का मतलब पूर्व दिशा में, कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, सरकार अपन ने राइट साइड में रखी है तो कोरोमंडल पर उत्तरी सरकार, तो कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट जो है वो कौन से है, पूर्वीय तट
पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो ये महत्वपूर्ण पर्सन इस सेवंथ लेशन में है। अब एक और बात जो बता रही है, इसने बता रखी है मालाबार तट के बारे में बता रखा है। तो मालाबार तट के बारे में क्या बता रखा है और उसमें से अपने लायक काम की बात क्या है, चर्चा करते हैं। टॉपिक से जब बात करते हैं दिमाग में फीड होता है। मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, पर प्रयासरत हूं कि मेरे को पता है कि आपको सही समय पर सही सजेशन देना जरूरी है, आपको बढ़ाना जरूरी है। गुरु हूं, गुरुजी हूं, अपना ड्यूटी निभा रहा हूं दिन में भी और रात में भी आप लोगों के लिए। तो देखिए मालाबार तट के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं इस बुक में से, मालाबार तट। तो देखो मालाबार तट जो है ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। देखो ये मुख्य पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट बता रही है, गोवा से कन्याकुमारी तक। चर्चा है सेवंथ क्लास की बुक की। सोचते होंगे कि लोग कि क्या सेवंथ क्लास की बुक से प्रश्न बनेंगे, बनता है, खूब बार बने हुए हैं। आप चेक करना जब भी, आप लोग या तो पढ़ते नहीं हो, बेसिक बुक अगर पढ़ते हो ना तो आप लोगों को मालूम भी है कि हाँ यहां से प्रश्न बनता है। एक बार आरएस मेंस में साइंस के सारे प्रश्न टेंथ की बुक में से थे, लगभग 80% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से है। सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास पढ़ते थे तो उनके लगभग जो जीके का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसमें एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स थी उसमें टोटल के टोटल प्रश्न थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न आते हैं बेसिक बुक में से। आप चाहे कितना सारा जीके कलेक्ट कर लो, पहले बेसिक बुक कलेक्ट करेंगे फिर बड़ा जीके याद करेंगे, पूरी गाइड्स लर्न करेंगे, याद रखेंगे, पर ये मस्ट जरूरी है। तो मालाबार तट जो है वो गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और 70 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई में एक सकरी पट्टिका के रूप में है, सकरी पट्टी के रूप में यह फैला हुआ है। तो अपने लायक काम की बात यह आ गई कि गोवा से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको अपन क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। दूसरी आपको दिमाग में फीड है कि ये किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान का पार्ट है, ठीक है। पश्चिमी तटीय तट ये क्षेत्र जो है उसका पार्ट है, कौन सा, मालाबार तट। और दूसरी बात क्या है, यहां पर जो टेम्परेचर है जनरली ये बहुत विविधता लिए हुए है। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर रहता है, ये भी इसके बारे में बता रखा है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां वर्ष भर टेम्परेचर यही रहता है। फिर नेक्स्ट बात क्या है, यहां पर जो वर्षा जो है, वर्षा का औसत जो है वह 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक यहां पर वार्षिक वर्षा होती है। तो वर्षा का औसत भी बहुत अच्छा है। और यहां जो बढ़िया प्रश्न आ रहा है कि ये जो मालाबार तट है वह लेगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लेगून, ये खूब बढ़िया प्रश्न है, लेगून झीलें पाई जाती है कौन से तट पर, मालाबार तट पर पाई जाती है। ये अपने काम की बात है, लेगून झील मालाबार तट पर पाई जाती है। और सबसे जो प्रसिद्ध लेगून है उसका नाम है वेम्बानद लेगून, वेम्बानद लेगून जो है कहां पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है। वेम्बानद लेगून कहां स्थित है, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर कौन सा लेगून स्थित है, वेम्बानद लेगून स्थित है। कौन सा लेगून स्थित है, वेम्बानद लेगून स्थित है। और भी देखो इसकी क्या खास बात बता रखी है मालाबार तट की, याद रखेंगे गोवा से कन्याकुमारी तक 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर। और ये सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेम्बानद लेगून कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे केरल में पाया जाता है भाई, मालाबार तट पर पाया जाता है। या बताएंगे वेम्बानद क्या है, लेगून है, वेम्बानद क्या है, लेगून झील है, वेम्बानद क्या है, लेगून झील है, एक लेगून झील है, दिमाग में फीड कर ले, स्टेपल कर रहे हैं इस चीज को। और क्या खास बात है मालाबार तट के बारे में, और क्या खास बात बता रखी है, यहां पर आण्विक खनिज पाए जाते हैं भाई। भारत में आण्विक खनिज जो है केरल की मिट्टी में मुख्यतः कौन कौन से आण्विक खनिज यहां पर पाए जाते हैं, जिसको परमाणु खनिज भी कहते हैं। और भारत की जो परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा जो है उसके उत्पादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन कौन से हैं परमाणु खनिज, एक तो मोनोजाइट यहां पर पाया जाता है, याद ध्यान रखना मोनोजाइट। पहली बात तो यह भी ध्यान रखना है कि कौन से परमाणु खनिज हैं, यह भी प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा
आणविक खनिज नहीं है या परमाणु खनिज नहीं है, उस कंडीशन में तीन सेम देते हैं एक अलग दे देते हैं, या फिर कौन सा है तो इसका मतलब क्या है कि तीन अलग होंगे एक होगा, तो मोनोजाइट ठीक है। नंबर नेक्स्ट है थोरियम, थोरियम खनिज भी यहां पर पाया जाता है, मोनोजाइट हो गया, थोरियम हो गया और जिरकन हो गया, जिरकन जरिकन भी ध्यान रख सकते हो आप, जिरकन यह भी क्या है मोनोजाइट, थोरियम और जिरकन जो है वो आणविक खनिज है। कहां पर पाए जाते हैं, मालाबार तट पर पाए जाते हैं, मालाबार तट पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज मोनोजाइट थोरियम और जिरकन, मोनोजाइट थोरियम और जिरकन। 11वां लेसन 7वां लेसन दे रखा है और उसमें देखने पर लगेगा नहीं कि इतने बढ़िया प्रश्न अंदर छुपे हुए हैं, आप उसको अवॉइड कर देंगे, पन्ने पेज पलट लेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मोनोजाइट थोरियम और जिरकन। और देखिए मालाबार तट पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं, बंदरगाहों के बारे में भी बढ़िया प्रश्न है। मालाबार तट पर स्थित बंदरगाह है कौन कौन से हैं, देखिए याद रखेंगे, नंबर फर्स्ट कोची बंदरगाह है, ठीक है कोची याद करवाएंगे, सारे भारत का भौतिक स्वरूप जब पढ़ाएंगे उसमें याद करेंगे, बाकायदा कंफ्यूज नहीं होगा, सारी पवने याद करेंगे, सारी नदियां याद करेंगे, सारी झीलें याद करेंगे, सारे पर्वत याद करेंगे, ज्वालामुखी याद करेंगे, भूकंप याद करेंगे, मानसून याद करेंगे, सारा याद करेंगे, सारा कॉन्स्टिट्यूशन याद करेंगे, लेकिन बेसिक पहले ठीक है। कोची बंदरगाह है मालाबार तट पर, नंबर सेकंड कोझीकोड, कोझीकोड बंदरगाह है जो भी है कहां पर है, मालाबार तट पर। नंबर थर्ड है अल्लेपी बंदरगाह है, अल्लेपी बंदरगाह जो है वो भी कहां पर है भाई, मालाबार तट पर। और नंबर चार पे जो है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम बंदरगाह जो है वह भी कहां पर है, मालाबार तट पर है, कहां पर है मालाबार तट पर है, याद रखे। कोची कोझीकोड अल्लेपी बोलने से तोलने से याद हो जाता है, कोची कोझी अल्लेपी तिरुवनंतपुरम, कोची कोझी अल्लेपी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये सभी बंदरगाह कौन से कहां पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है, बढ़िया प्रश्न है, याद रख सकते हैं इनको। अब इसमें इनके अलावा जो सेवंथ लेसन के बाद जो आठवां लेसन है उसमें कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है अपने लाइक, नौवां लेसन है उसमें भी इंपोर्टेंट नहीं है, दसवां लेसन जो है उसमें कुछ प्रश्न अपने लिए बनता है, तो लेसन नंबर 10 अपन देखेंगे आप, लेसन नंबर 7 के बाद लेसन नंबर 10 से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, देखिए कुछ हमेशा हर 5-7 लाइन के बाद टॉपिक हो जाता है, इसलिए पूर्णता देना संभव नहीं है, अपन सिर्फ ये देखेंगे, नोट्स बनाने जरूरी हो जाता है कि क्या बताएंगे आगे, है ना, इस लेसन में क्या अपने लिए बात छुपी हुई है रीट के अभ्यर्थियों के लिए। देखो देखो लैंगिक समझ और संवेदनशीलता लेसन नंबर 10 है, लेसन नंबर 10 कौन सा है, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता जो है यह है पॉइंट है लेसन नंबर 10 का, यह नाम है और यह टाइटल है इसका, प्रश्न इसमें से बनते हैं समझने की बात है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में कि लैंगिक समझ और लैंगिक संवेदनशीलता में अंतर क्या है। देखो लिंग भेद और लैंगिक संवेदनशीलता दोनों अलग अलग है, लिंग भेद तो यह है कि भगवान ने या प्रकृति ने मनुष्य में जो भेद किया है, ठीक है ये नर है ये मादा है, इसको तो कहेंगे अपन लिंग भेद। और लैंगिक संवेदनशीलता से मतलब क्या है कि लैंगिक संवेदनशीलता से मतलब यह है कि पुरुषवर्ती सोच का विकास होना, पुरुषवर्ती सोच क्या है समझिए इस बात को, मेरा कहीं आप अदरवाइज ले जाएं कि बच्चों की देखभाल करना किसका काम है, महिलाओं का काम है ऐसा मानना, अमुक काम तो महिलाओं का है इसको पुरुष कैसे करें, इसको अपन लैंगिक संवेदनशीलता कहते हैं। बच्चियां बाहर अकेली नहीं जाए, बच्चे जा सकते हैं, लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जाए, तो ये क्या है लैंगिक संवेदनशीलता है, या मैं तो ये कहूंगा ये गवर्नमेंट की हार है कि बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं बाहर जाने जाती हैं तो, और डर जो बना रहता है समाज में वह क्या है लैंगिक संवेदनशीलता है, ठीक है। पुरुष ही दूल्हा बनकर के आए दुल्हन को ले जाए, ठीक है यह लैंगिक संवेदनशीलता है। तो खूब
बढ़िया प्रश्न यहां पर है कि महिलाओं को ये महिलाएं थोपना पुरुष द्वारा, वह लैंगिक संवेदनशीलता है, अपने लायक काम की क्या बात है। इसको देखिए आप कि प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत सम्मान होता था, समाज में बड़ा अच्छा स्थान था, तो अपने लिए काम की बात क्या है कि महिलाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो नाम क्या है देखो, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, ये वैदिक कालीन महिलाएं हैं, ठीक है, और ये विदुषी महिलाएं हैं। कहने का मतलब ये पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विदुषु महिलाएं किस काल की है, प्राचीन काल की। प्राचीन काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, और यह अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि प्राचीन समय जो यह वैदिक सभ्यता से संबंधित महिला, वैदिक सभ्यता में कौन सी महिलाएं विदुषी महिलाएं नहीं है, या ये महिलाओं का नाम दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैदिक काल से संबंधित नहीं है, तब अपने को ध्यान रखना है। तो ये कम चीज नहीं है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, याद रखना जरूरी है। गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, तीन नाम तो याद रखे कि इनमें से दो तीन तो ऑप्शन में मिल जाता है, फिर भी आपके प्रश्न सोल्व करने की, सही करने की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट देखो, सुगंधा, दीदा और कोटा, और नाम देखिए, सुगंधा, सुगंधा, दीदा, दादी नहीं है, उल्टा बोल समझ लेना, सुगंधा, दीदा और कोटा। कोटा जो जैसे अपना वो है डिस्ट्रिक्ट है, वैसे कोटा महिला का नाम भी है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, सुगंधा, दीदा और कोटा, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया, जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया, सुगंधा, दीदा, कोटा, सुगंधा, दीदा, कोटा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में शासन किया, कश्मीर पर शासन किया, ऐसी महिलाएं भी हैं। इसका मतलब ये क्या है कि प्राचीन का जो काल था उसमें महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, पुरुषों के बराबर सम्मान उनको मिलता था, तो महिलाएं को सम्मान मिलता था, इसलिए तो उसने शासन किया। ऐसे नहीं है घूंघट में बैठे रहे, घूंघट की आड़ में बैठे रहे, गाने गाते रहे, ऐसा नहीं है। सुगंधा, दीदा, कोटा, ये जो महिलाएं हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर पर शासन किया। और इसका ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने जम्मू कश्मीर पर शासन नहीं किया, प्रश्न बन सकता है। सुगंधा, दीदा, कोटा लिखा हुआ है, बीच में आ जाएगा क्या, लोपामुद्रा आ गई, कुछ भी आ गया, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखें, या फिर प्रश्न ये भी पूछ ले, सुगंधा, दीदा तथा कोटा नामक महिलाओं ने कश्मीर पर शासन किया, इसका उल्लेख कहां पर किया गया, इसका उल्लेख मिलता है तो कहां पर मिलता है, तो आंसर होगा कल्हण की राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी जो जिसमें कश्मीर के बारे में लिख रखा है, तो ये कश्मीर की शासन व्यवस्था, कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हण की राज तरंगिणी की मैं बता रखा है, कल्हण, तो इसमें यह बात बता रखी है कि सुगंधा, दीदा और कोटा नामक महिलाओं ने किस पर शासन किया, कश्मीर पर शासन किया, कश्मीर में शासन किया, कल्हण की राज तरंगिणी में इसका उल्लेख है, ठीक है। फिर मध्यकाल आ जाएगा भाई, मध्यकाल में झांसी की रानी आ गई, मध्यकाल की महिलाओं के नाम, निम्नलिखित कौन सी महिला मध्यकाल से संबंधित है या संबंधित नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, ठीक है, घूंघट की आड़ में गाने चल रहे हैं, ठीक है, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा है, ये सारी मध्यकाल की संबंधित सामाजिक बुराइयां हैं महिलाओं से संबंधित, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, ठीक है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, तो इससे मध्यकाल से संबंधित महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में अच्छी नहीं है, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो उस समय आप लोगों को लगभग जर्नलिस्ट के भांति व्यवहार करना होता है, और आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा लगता है कि अपने को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी चाहिए थी, बल्कि इन छोटी छोटी बेसिक बुक्स में से छोटी छोटी बातें निकल करके वो शेयर करते जाते हैं, कथन बना देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, एक व दो या दो व चार, ठीक है, केवल एक, केवल दो, इस प्रकार का ऑप्शन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एनालिटिकल एग्जाम धीरे धीरे चालू हो रही है, सीधा प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। दुर्गाबाई है, अहिल्याबाई है, ये मध्यकाल से संबंधित महिलाएं हैं, दुर्गाबाई और अहिल्याबाई, अहिल्याबाई ये कौन से
काल की महिलाएं हैं, मध्य काल की महिलाएं हैं, मध्य काल से संबंधित तो महिला कौन सी है, दुर्गा बाई और अहल्या बाई है। 19वीं शताब्दी की महिलाएं, 19वीं शताब्दी की जो महिलाएं हैं उनके नाम देख लीजिए, दे रखा है इसमें कि लक्ष्मीबाई और मीराबाई, कौन सा है, लक्ष्मीबाई और मीराबाई 19वीं शताब्दी की महिलाओं के नाम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मीराबाई, ठीक है। याद रखें इन प्रश्नों को, इनपे के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें, भाई प्रश्न पूछ ले तो दी बेस्ट काम है, और नहीं पूछे तो अपना नॉलेज बेस्ट होगा, और पूछेंगे तो दी बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसमें जो प्रश्न बता रखे हैं कि राजस्थान की जो जनगणना है 2011 की, उसमें महिलाओं का जो लिंगानुपात है अपना वह कितना है, 928 है। लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 928 किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, और कुल साक्षरता जो है वो 66.17, 66.17 साक्षरता है राजस्थान की। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता 66.17, और इसमें से महिला साक्षरता जो है वह 52.10% और पुरुष साक्षरता जो है वह कितनी है, 79.20, कितनी है पुरुष साक्षरता, 79.20, और महिला साक्षरता है 52.10। नेक्स्ट पर्सन जो यहां इस लेसन में दे रखा है, लेसन नंबर 10 में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है, देखो कि बाल कल्याण, हाँ, विधानसभाओं एवं संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो 33% के बारे में दे रखा है। फिर बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, ये देखो बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर राजस्थान के बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, हेल्पलाइन नंबर कितने हैं भाई, बाल कल्याण से संबंधित हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, तो 1098 बराबर, 1098। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित महिला हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर जो हैं इनको भी अब याद रखें कि प्रश्न पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं है, तो 1090, 95 और 112 हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं से संबंधित, 1095 हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं से संबंधित, और 112 नंबर भी क्या है, महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, एक तरह से खिचड़ी सामाजिक विज्ञान में आती है, जो स्पेशलिस्ट होता है किसी सब्जेक्ट का वो इसमें सिलेक्ट नहीं होता है, जो जर्नलिस्ट होता है वह इस एग्जाम में सिलेक्ट होता है, चाहे सामाजिक की सेकंड ग्रेड देख लो और चाहे सामाजिक की रीड देख लो और सामाजिक की फर्स्ट ग्रेड देख लो, स्पेशलिस्ट जिसको पॉलिटिकल साइंस में तो फिर भी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है फर्स्ट ग्रेड में तो, लेकिन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो है उसमें जर्नलिस्ट चाहिए जिसको सब कुछ आता हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, ठीक है, सारी बातें अगर उनको पता है तो वह एग्जाम में टॉपर है, और अगर कुछ बातें पता है तो वह एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं होता है, बेचारा पॉइंट्स में रह जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपने इसके बारे में जो चर्चा कर रखी है कि राजस्थान में लेसन नंबर 10 में ये महत्वपूर्ण बातें थी, बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 1095 और 112। देखिए नेक्स्ट, लेसन नंबर 10 के बारे में इतने से प्रश्न थे, लेसन नंबर 11 जो ये कह रहा है कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है। देखिए लेसन नंबर 11 से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 36 कितनी है, 36 है, और जिला उद्योग केंद्रों की जगह उपकेंद्रों की जो संख्या है वह कितनी है, बराबर 07, वह कितनी है 07 है, ठीक है। और नेक्स्ट और प्रश्न देखो कि एक पॉइंट बता रखा है कि राजस्थान जो है वो पॉलिएस्टर फाइबर के उत्पादन में और सीमेंट के उत्पादन में दूसरा स्थान है,
राजस्थान का दूसरा स्थान, ये पॉइंट है याद रखने का है। राजस्थान का दूसरा स्थान किसमें बता रखा है भाई, कि पॉलिएस्टर फाइबर के उत्पादन में, ध्यान रखना। नंबर एक पॉलिएस्टर फाइबर के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आंसर आ जाएगा द्वितीय स्थान है। इसके अलावा सीमेंट के प्रोडक्शन में, नेक्स्ट है सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। दोस्तों प्रॉपर जो है मैं इसको रोचकता प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन करें क्या कि हर लेसन कुछ अलग मिजाज का आता है और उसमें कंटिन्यूटी इस प्रकार से बढ़ती है कि जो मिलता है उसी को बढ़िया तरीके से पेश करने की कोशिश मैं करता हूं। ऐसा नहीं है कि अब जब जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे तो उसको भी याद करवा देंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ कनेक्टिविटी बन रही है। अब एक लेसन किससे संबंधित आता है, दूसरा लेसन किससे संबंधित आता है, लेकिन अपने काम काम की बात जो है मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता हूं। तो राजस्थान का दूसरा स्थान है किसमें, पॉलिएस्टर फाइबर्स के उत्पादन में और सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, याद रखें, दिमाग में फीड रखें। अगला प्रश्न जो बन रहा है यहां पर, निवेश संवर्धन ब्यूरो आईबीपी, देखो आईबीपी के बारे में बढ़िया प्रश्न बन रहा है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, देखिए कि ये जो निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है यह काम क्या करता है। प्रश्न काम का बन के आएगा कि राज्य सरकार एवं निवेशकों के मध्य समन्वय की भूमिका निभाता है, राज्य सरकार व निवेशकों के मध्य समन्वय की भूमिका कौन निभाता है, तो आप बताएंगे निवेश संवर्धन ब्यूरो, ठीक है। निवेशकों के मध्य, राज्य सरकार के मध्य निवेश संवर्धन ब्यूरो है ना, निवेश संवर्धन ब्यूरो है आईबीपी, आईबीपी निवेश संवर्धन ब्यूरो, किसके द्वारा भूमिका निभाई जाती है, ये समन्वयन की भूमिका कौन निभाता है, राजस्थान सरकार व निवेश, जो व्यापारी जो उद्योगपति राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं उन दोनों के मध्य समझौता या शर्तें उनको लागू करना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाना किसका काम है, निवेश संवर्धन ब्यूरो का काम है, ये आप ध्यान में रखें। फिर देखिए राजस्थान के उद्योग विभाग व अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बीच नॉलेज पार्टनरशिप समझौता हुआ है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए किन किन के मध्य भाई, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बीच नॉलेज पार्टनर समझौता, राजस्थान के किस निकाय का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ, बढ़िया प्रश्न, देखो क्या याद करने की बात है कि राजस्थान के किस निकाय का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता हुआ है, कौन से निकाय के साथ हुआ है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, उद्योग विभाग के, कौन से विभाग के साथ, उद्योग विभाग के साथ ये समझौता हुआ है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आ गया तो गाइड्स जो है उसको ढूंढनी पड़ जाएंगी, फिर नहीं मिलेगा तो सेवंथ की बुक में मेरे को पता कोई नहीं जाएगा, और फिर देखेंगे कि कौन सी आंसर की आ रही है, उसमें कहां क्या प्रश्न दे रखा है। तो ध्यान रखें कि राजस्थान के जिस निकाय का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता हुआ है वह कौन सा है, उद्योग विभाग है, कौन सा है, उद्योग विभाग है। नेक्स्ट पर्सन देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया पर्सन इसमें दे रखे हैं लेसन नंबर 11 में, देखिए रिसर्जेंट राजस्थान, ठीक है, रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन कहां किया गया या कब किया गया, दोनों पर्सन बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना पर्सन है, रिसर्जेंट राजस्थान, दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो तरीके से ये पूछा जा सकता है, रिसर्जेंट राजस्थान ये रखा है, इसलिए इसको करंट अफेयर्स का नहीं मान करके आप इसको माने बेसिक बुक का, बेसिक बुक में जो महत्वपूर्ण बातें दे रखी है, रिसर्जेंट जो राजस्थान है उसका आयोजन आप ये ध्यान रखेंगे
वह 20 नवंबर, 19 व 20 नवंबर 2005, 19 व 20 नवंबर 2015 को किया गया, सॉरी 2015, 19 व 20 नवंबर 2015 को रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न है कहां किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे जेपीआर में, जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया। किसका आयोजन रिसर्जेंट राजस्थान कब, 19 व 20 नवंबर 2015, ठीक है, 19-20 नवंबर 2015 को रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन, या 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन कहां पर किया गया, तो तुक्के से भी लोग जयपुर कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पक्के याद रखें, तुक्के नहीं, ठीक है, 19 व 20 नवंबर 2015 जयपुर में, कहां पर, जयपुर में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न ये भी है कि केंद्रीय सेक्टर से राजस्थान के कौन सी परियोजना को विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो प्रश्न ये हो गया, केंद्रीय सेक्टर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त परियोजनाएं, कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं उनको केंद्रीय सेक्टर से विद्युत प्राप्त हो रही है राजस्थान की, तो इनको भी थोड़ा सा आप फोकस कर लें, याद कर लें, इनके बारे में भी प्रश्न बन सकता है। देखो, सिंगरौली रिहंद अंता, नंबर एक सिंगरौली, नंबर सेकंड रिहंद, ठीक है, नंबर थर्ड अंता, इनको केंद्रीय सेक्टर से विद्युत प्राप्त हो रही है। इसके अलावा सिंगरौली रिहंद अंता के अलावा है औरैया दादरी टनकपुर उरी, औरैया दादरी टनकपुर और उरी हाइड्रल प्रोजेक्ट, उरी हाइड्रल या हाइड्रिल प्रोजेक्ट जो है इसको केंद्रीय सेक्टर से, इनको केंद्रीय सेक्टर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक बार उच्चारण कर दीजिए सबका, साथ साथ बोल लीजिए, कौन कौन से हैं, सिंगरौली रिहंद अंता, औरैया दादरी टनकपुर उरी, ठीक है, औरैया दादरी टनकपुर उरी, सिंगरौली रिहंद और अंता, ये केंद्रीय सेक्टर से प्राप्त विद्युत परियोजनाएं थी, ठीक है। 11वें लेसन की और बातें देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ये अगली क्लास जो है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रखे हैं, इसके जस्ट इसी बाद अपन देख लेते हैं, अगली क्लास नहीं जाएंगे, कंप्लीट करते हैं लेसन नंबर 11 को, तो देखिए और क्या प्रश्न बनते हैं लेसन नंबर 11 से। लेसन नंबर 11 क्या कह रहा है, लेसन नंबर 11 में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लेसन नंबर 11 जो है उसमें जनसंख्या से संबंधित डाटाज हैं, और जनसंख्या से संबंधित डाटाज जो होते हैं वो पुराने डाटाज भी पूछे जाते हैं, पुराने आंकड़े भी पूछे जाते हैं और नए आंकड़े भी पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक बुक्स में कौन कौन से आंकड़े दे रखे हैं वो तो कम से कम अपने को पता होना ही चाहिए, बहुत सारे डाटाज हैं, किस वे में पूछ ले कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारणी जो है वो 11वें लेसन में दे रखी है, और मैं ये सोचता हूं कि ये शायद रीट के हिसाब से या राजस्थान पुलिस के हिसाब से या फिर जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज है, पटवार की वैकेंसीज है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बता रखा है इसके बारे में, नंबर फर्स्ट देखिए कि साक्षरता के बारे में बता रखा है, किसके बारे में, साक्षरता के बारे में बता रखा है कि राजस्थान की जो साक्षरता थी वह 1951 में 2.51 है ना, 2.51, और महिला साक्षरता 2.51 और पुरुष साक्षरता है 13.09, ठीक है, याद रखना 51 में 2.51, ऐसे बोलने में तो 2.51 बोलना चाहिए लेकिन वास्तव में याद करने के हिसाब से 2.51 भी आप लोग बोल सकते हैं। मतलब 1951 में जो राजस्थान की महिला साक्षरता थी वह 2.51% और पुरुष साक्षरता सिर्फ 13.09, महिला 2.51 और पुरुष 13.09, ठीक है। नेक्स्ट 1961 में जो जनसंख्या है उसका ये जनसंख्या सॉरी साक्षरता जो है वो 5.82 और पुरुष साक्षरता जो है वह 23.71, ठीक है, 5.82 23.71, 61 जो है 61582 23.71,
61582 73 71। इसी प्रकार से याद कर सकते हैं 61582 73 71। एक बार दो तीन बार उच्चारण करेंगे तो 61582 73 71 आप लोगों को याद हो जाएगा। 61582 73 71 ये मोबाइल नंबर है 1961 के, मतलब 582.82 महिला साक्षरता है और पुरुष साक्षरता है 23.71 23.71 आप लोग याद कर सकते हैं। फिर 1971 ठीक है 1971 8 में क्या है 8 होते हैं और 8.46 और 28.74 याद करें, रुके इनके ऊपर, जब रुकेंगे तब अपने को ये याद होंगे, जब रुकेंगे ना तब इनको याद रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करें, है ना। 8.46 और 28.74 जो है वो 1900 महिला साक्षरता है 8.46, महिला साक्षरता कितनी है 8.46 है और पुरुष साक्षरता जो है वो 28.74 है। 71 में महिला 8 और पुरुष 28 है ना, 8.46 लगभग। आप अगर मैं मुख्य डाटा भी बताया 0.2 के अलावा तो भी आप सिलेक्ट सही कर सकते हैं कि महिला साक्षरता 71 में है 8.46 8 के आसपास है और पुरुष साक्षरता है 71 में 7 3 8 होते हैं तो महिला साक्षरता 8.46 और पुरुष साक्षरता होती है 28.88 है ना। 71 में 8.28 हो गए ठीक है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 28.74। 81 जो है उसको ध्यान रखिए 11 के आसपास महिला साक्षरता है और 36 के आसपास पुरुष साक्षरता है, 11.42 और 36.30 ठीक है, 11.42 1142 37 30। 81 में कितना है 11.42 और 36.30 पुरुष साक्षरता है 81 में साक्षरता कितनी है 36.30 11.42 महिला साक्षरता है 11.42 ठीक है। अब 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 20 44 52 ये महिला साक्षरता हो गई 2 5 8 11 20 44 52 अभी तक है ना 2 5 8 11 20 44 52 पॉइंटों में कंफ्यूज नहीं होता है आदमी ठीक है। 5 पॉइंट जैसे मान लो कि 61 में आप 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 20 44 52 ऐसे याद रखे 20 44 और 52 ठीक है। ये 20.44 हो गया है दोनों मिलाकर के 20.44 है, यहाँ पर 34 है 52.10 है, ये याद कर सकते हैं 2 5 8 11 20 44 52 देखो वापस लिख रहे हैं 2 5 8 11 20 44 52 महिला साक्षरता का एक सिंपल सा पॉइंट आप लोगों ने उसके ऊपर रुके हैं तो आप लोगों ने शायद पकड़ लिया होगा जो मैं बात को बता रहा हूँ 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 20 44 52। अब पॉइंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते 5.82 8.46 50% से ज्यादा सॉरी मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ 90% से ज्यादा आपके सही होने के परसेंट सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं 2 5 8 11 20 44 52 ठीक 11 तक आप लोग महिला साक्षरता याद कर सकते हैं। 13 23 28 37 54 54 79 देखो ये भी शानदार है 13 23 28 37 13 23 28 37 54 54 79 13 23 28 37 13 23 28 37 54 54 79 ठीक है 13 23 28 37 54 54 79 13 23 28 37 54 54 79 13 23 28 37 54 54 79 याद रख सकते हैं ना, आप देख लेना साइड में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद कर सकते हैं 13 23 28 37 54 54 79 13 23 28 37 54 54 79 दूसरों को बताएंगे 5 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 20 44 52 फिर आप लोग इसको देख लेंगे ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। इनको लिख लेना 2 5 8 11 20 44 52 2 5 8 11 2 5 8 11 20 44 52 देखिए कितनी जल्दी याद हो रहा है 2 5 8 11 20 44 52 और इधर 13 23 28 37 54 54 79 ठीक है 13 23 58 37 54 54 79 इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर सकते हैं 11 लेसन। और इसको जिसको कि टेबल फोबिया नहीं बनाएगी, ये टेबल है तो अपने इसको इजीली छोड़ दें या याद नहीं करें, नहीं याद कीजिए, थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत कीजिए इसके ऊपर ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न लेसन नंबर 11 से बनता है कि जो दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बता रखा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके प्रथम चरण में राजस्थान के कौन कौन से
जो है स्थानों का विकास किया जा रहा है, तो क्या क्या आ जाएगा, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा, ये तीनों अलवर के हैं, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा, ये तीनों का यहाँ पर विकास किया जाएगा, तीनों में औद्योगिक निवेश किया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में तीन स्थान कौन कौन से है, तीन जगह कौन कौन सी है जो महत्वपूर्ण है, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। ये भी बढ़िया प्रश्न है, अथाह भंडार है जीके का, लेकिन काम की बात क्या है उसकी अपन तलाश कर रहे हैं, बेसिक बुक्स को ये पहले याद कर रहे हैं। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू किया गया, तो ये डेट बता रहे केस में 1 अप्रैल 2011। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग भी रीड कर लेना, बेसिक नॉलेज में ही बता रखा है 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। और SIQE की फुल फॉर्म दे रखी है, देखो ये कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया प्रश्न है जो RTET एग्जाम में, रीट एग्जाम में पहले पूछ लिया गया है, रीट एग्जाम में भी पूछा गया है, अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछ लेते हैं इसको, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लेते हैं। SIQE की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, भाई ऐसे स्टेट, आई से इनिशिएटिव, फिर फोर या ऑफ कंफ्यूज करता है, फोर या ऑफ में क्या लिखा होगा, तो फोर याद रखें, स्टेट इनिशिएटिव करता है तो फोर ही लगाता है, ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्यूई का तो मतलब सर क्वालिटी एजुकेशन है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, एस बी में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टेट आता है, आई से इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव। और फिर यहां पर एक और चीज जो इसको है आप ध्यान रखेंगे वह फोर है, तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ये 11वें लेसन की महत्वपूर्ण बातें थी, 11वें लेसन में क्या महत्वपूर्ण बातें थी अपन ने चर्चा की है, तो आगे के लेसन जो है अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद HR सर का YouTube चैनल देखने के लिए, बने रहिए, याद कीजिए, तैयारी कीजिए और फाइट कीजिए, मजा दबाएगा, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो।